हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दिशा। आज हम पेंसिल कलर का यूज़ करके कुछ एनिमे ड्रॉ करते हैं। ये आपको मूवी पता ही होगी कौन सी है। पहले हम इसका फेस बनाते हैं, स्किन टोन कलर देंगे, उसके बाद हम डार्क शेड पर जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में सब कुछ दिखाया जाएगा, जिसमें हम अलग अलग कलर यूज करके शेडिंग करेंगे, क्योंकि शेडिंग करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी पेंटिंग ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद अगर आप शेडिंग करेंगे तो वो उभर कर दिखेगी। आप देख सकते हैं, एक के बाद एक कलर चेंज कर रही हूँ मैं, इसी वजह से मेरी पेंटिंग का लुक अलग ही दिख रहा है। अब हम हेयर करेंगे। पहले लाइट कलर यूज करेंगे, उसके बाद ब्लैक। आप देख सकते हैं हेयर कितने अच्छे लगेंगे उसके बाद। रुको, पूरा वीडियो देख के ही जाना, आप नहीं मत छोड़ना, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको इसी तरह से कुछ नया सीखना है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और प्लीज़ गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम इतनी मेहनत इसीलिए करते हैं कि आप एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो, और शेयर करना मत भूलना प्लीज़ गाइस। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपने ये एनिमे फिल्म देखी है या नहीं। अगर देखी है तो कैसी है मुझे भी बताना, क्योंकि मैंने नहीं देखी है। जिसने मुझे बताया कि अच्छी है या बुरी है, इसके बाद मैं आप ये मूवी ज़रूर देखूँगी। अगर इधर तक आए हो तो पूरा वीडियो देख के ही जाना प्लीज़, बीच में मत छोड़ना वीडियो। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर इधर तक आए हो तो पूरा वीडियो देख के ही जाना प्लीज़, बीच में मत छोड़ना वीडियो। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने बच्चों को दिखाना, आपके बहन भाई सबको दिखाना, और सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम हाईलाइट करेंगे उसकी आई और टीथ को। व्हाइट कलर हाईलाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, व्हाइट कलर का यूज करना हाईलाइट करने के लिए। थैंक यू गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।